हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन योर फेवरेट फार्मा चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्मोन सिक्रेट करते हैं, तो उसी एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक ग्लैंड को हम आज उसके बारे में डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं। तो आज की हमारी ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, जो कि आपके इम्यूनिटी में बहुत असरदार है ग्लैंड, उसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। तो क्या है आपकी भाई थाइमस ग्लैंड? तो आपको पता है जो आपके टी लैम्पोसाइट एंड बी लैम्पोसाइट जो आपके टोटल ब्लड सेल कहाँ पर तैयार हो जाते हैं, आपके पूरे ब्लड सेल रेड बोन मैरो में तैयार हो जाते हैं, और तैयार होने हो जाने के बाद आपके जो ब्लड सेल फॉर्म हो गए रेड बोन मैरो में, तो हो जाने के बाद कोई कोई क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं रेड बोन मैरो में। बट कोई आपके जैसे कि टी लिम्फोसाइट क्या होता है, बोन मैरो में तैयार तो होता है भाई, लेकिन वो बोन मैरो में मैच्योर नहीं होता। उसको मैच्योर होने में किसकी ज़रूरत होती है? थाइमस ग्लैंड में जो हार्मोन सिक्रेट करता है थाइमोसिन, इसकी ज़रूरत होती है टी लिम्फोसाइट को मैच्योर होने में। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि थाइमस ग्लैंड का लोकेशन क्या है। तो थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी मध्ये आपल्याला काय काय ते माहित आहे? तर थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। इन थोरेसिक कैविटी प्रेजेंट द स्टर्नम विच कलेक्ट टू द ऑल रिब्स। मीन्स आपके जो रिब्स को अटैच किससे होते हैं, स्टर्नम को अटैच आपकी पूरी रिब्स होते हैं। तो आपके रिब्स को पकड़ने वाला जो बोन रहता है जिसे कि हम स्टर्नम कहते हैं, आपकी जो थाइमस ग्लैंड है स्टर्नम के पीछे, और स्टर्नम के पीछे जो आपका ये रहता है सिस्टेमिक आउरटा के आगे, मीन्स स्टर्नम एंड सिस्टेमिक आउरटा के बीच में आपका कौन रहता है, थाइमस ग्लैंड। सपोज दिस इज द स्टर्नम एंड दिस इज द सिस्टेमिक आउरटा, एंड उसके बीच में कौन रहता है, उसके बीच में रहता है आपका थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड का लोकेशन आपको पता चल गया। तो थाइमस ग्लैंड का फंक्शन क्या है? थाइमस ग्लैंड सिक्रेटेड द हार्मोन नोन एज द थाइमोसिन, एंड दिस थाइमोसिन रिक्वायर फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। क्यों? टी लिम्फोसाइट आपके जो है ना रेड बोन मैरो में मैच्योर नहीं होते। तो मैच्योर नहीं होते टी लिम्फोसाइट आपको किसके लिए जरूरी है? टी लिम्फोसाइट नहीं होंगे तो आपकी इम्यूनिटी नहीं होगी ना। तो आपकी इम्यूनिटी के लिए टी लिम्फोसाइट का बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो आपको तंदुरुस्त रहने का, मजबूत रहने का, तो आपको क्या चाहिए? टी लिम्फोसाइट चाहिए। और टी लिम्फोसाइट कौन सी आपको इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है भाई? इम्यूनिटी इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू किल द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस विच एंटर फ्रॉम द आउटसाइड इनटू द बॉडी। तो जो आउटसाइड से आ रहे हैं उसको किल करने की जो एबिलिटी आपकी बॉडी की है उससे हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी के लिए कौन जरूरी है? टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। आपके जो बी लिम्फोसाइट है तैयार होते हैं आपके बोन मैरो में और बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं। कौन? बी लिम्फोसाइट। लेकिन टी लिम्फोसाइट जो है तैयार होते हैं बोन मैरो में, तैयार होते हैं लेकिन मैच्योर नहीं होते। वो नन्हे मुन्ने बच्चे रहते हैं बोन मैरो में, जब तैयार होते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह काम करते थे, और उसको मैच्योर होने के लिए उसको एक ट्रेनिंग सेंटर में जाना पड़ता है। तो उसका मैच्योर होने का ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है? दिस इज द थाइमस ग्लैंड। तो जब ये आपके जो टी लिम्फोसाइट है तैयार हो जाने के बाद ब्लड में इंटर करते हैं, और ब्लड में इंटर करने के बाद थाइमस ग्लैंड में एंट्री मार देते हैं। और थाइमस ग्लैंड क्या है? उसका ट्रेनिंग सेंटर, और ट्रेनिंग देने वाला उसको कौन है? थाइमोसिन। जो कौन बनाता है? थाइमस ग्लैंड बनाता है। और वो थाइमोसिन इतना अत्याचार करता है ना उस टी लिम्फोसाइट के, बहुत बुरे हाल, डंडा लेकर उसको मारता है। जो टी लिम्फोसाइट आपके ओन एंटीजन, ओन आपके आपके बॉडी को सेल को जो मारते हैं उस टी लिम्फोसाइट को थाइमोसिन किल कर देता है। और जो ऐसे टी लिम्फोसाइट हैं जो कि आपके बॉडी के सेल को ना किल करके अदर सेल को किल कर देते हैं, उसी टी लिम्फोसाइट को सिर्फ ये जिंदा रखता है और ब्लड में भेज देता है। जब उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए थाइमोसिन से, उसकी ट्रेनिंग जब ख़त्म हो जाए तो आपकी जो टी लिम्फोसाइट है टी लिम्फोसाइट ब्लड में एंटर कर देते हैं। और टी लिम्फोसाइट जब उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है ना, ऐसे तगड़े बन जाते हैं, और तगड़े बन जाने के बाद ब्लड में एंटर कर दे, और ब्लड में एंटर जब कर दें तो
देखते रहते हैं या कौन सा एंटीबॉडी, कौन सा बैक्टीरिया आता है बैक्टीरिया किल करने के लिए, तैर ही रहते हैं। बट कब तैयार रहते हैं? जब तैयार रहते हैं कि जब वो ट्रेनिंग सेंटर यानी थाइमस ग्लैंड से तैयार होकर आने के बाद। तो आपके टी लिम्फोसाइट कौन सी इम्यूनिटी देते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंड आपके जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस द ह्यूमरल इम्यूनिटी मीन्स। लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि टी लिम्फोसाइट भाई रेड बोन मैरो में मैच्योर नहीं होते, लेकिन बी लिम्फोसाइट तो मैच्योर होते हैं ना। तो बी लिम्फोसाइट मैच्योर होते भाई, लेकिन बी लिम्फोसाइट में काम करने की अकल नहीं होती अभी तक। तो बी लिम्फोसाइट को काम करने की अकल देने के लिए भी बी लिम्फोसाइट को थायमोसिन जरूरी होता है। तो आपने क्या बताया, थायमोसिन हार्मोन है, तो थायमस ग्लैंड इस थायमोसिन हार्मोन को ब्लड में भी डाल देते। तो ब्लड में जो थायमोसिन है वो ब्लड में का थायमोसिन आपके बी लिम्फोसाइट भी कैप्चर कर देते हैं। और बी लिम्फोसाइट कैप्चर करने के बाद बहुत बी लिम्फोसाइट भी तगड़े बन जाते हैं और फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो और आपके थायमस ग्लैंड के बारे में और एक बहुत अच्छा बात बताने के, आपकी जो थायमस ग्लैंड है, आप कहते हैं ना कि बच्चे में इम्यूनिटी, बच्चे को हम ज़्यादा उसकी देख रेख करते हैं ना, क्यों? बच्चों को कुछ भी रोग हो जाता है जल्दी होता है ना, कोई भी इन्फेक्शन बच्चे को और बूढ़े को बहुत इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्यों भाई? बच्चे में जो थायमस ग्लैंड भी बच्चा रहता है छोटा, उसमें पूरी डेवलपमेंट नहीं हो जाती है। तो बच्चे में इसकी वजह से आपकी जो टी लिम्फोसाइट है ज़्यादा मैच्योर नहीं हो जाती, और आपकी जो थायमस ग्लैंड है आपका जैसा एज बढ़ जाएगा तो थायमस ग्लैंड उतने ब्रेक हो जाते। तो ब्रेक हो जाने के बाद उसका फंक्शन कम होता है ना, तो उसका फंक्शन कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी थायमस ग्लैंड का फंक्शन कम हो जाता है तो आपकी जो लिम्फोसाइट है टी लिम्फोसाइट उसका मैच्योरेशन ज़्यादा नहीं होता। तो आप ज़्यादा उसकी देख रेख करते हैं बच्चे की और बूढ़े की। तो आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स विच ब्रेक्स और एट्रोफाइज विद द एज। तो कौन सी ग्लैंड है आपकी? आपकी ग्लैंड है थायमस ग्लैंड विच मीन्स क्या कर देते हैं, ब्रेक हो जाती है आपकी एज के साथ। तो थायमस ग्लैंड का इट इज़ अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर द टी लिम्फोसाइट फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट विच इज अ प्रेजेंट बिटवीन द स्टर्नम एंड सिस्टमिक एओर्टा ऑफ द हार्ट मीन्स स्टर्नम और सिस्टमिक एओर्टा के बीच में आपके थायमस ग्लैंड का लोकेशन है। थायमस ग्लैंड एक आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड मीन्स हार्मोन सिक्रेट कर देते हैं, और उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस में, आपके इम्यून सिस्टम में। और जो आपके टी लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाने वाले टी लिम्फोसाइट आपके लैम्फ नोड में जाकर बैठते हैं और फाइट करने में तैयार है।